अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए, आज मोमोज़ खाने का मन हो रहा था, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ मोमोज़ मिलते नहीं हैं, तो हमने सोचा क्यों ना घर पे बना लिए जाए। इसलिए हमने 2 कटोरी ले लिया था मैदा छान कर, उसमें तेल डाला और नमक डाला ताकि ये क्रिस्पी बने। ठीक है, अब इसको आटा बना लेंगे हम, जैसे हम लोग अपने घर का आटा बनाते हैं ना, इसी तरीके से रोटी का। अब इसको ढककर रखेंगे 15 मिनट के लिए ताकि ये स्मूथ हो जाए। इस तरीके से स्मूथ जब ये हो जाएगा ना, तो 3 लोई काटेंगे, क्योंकि हम लोई काट के रोटी की तरह बेल के हम बनाएंगे। उससे पहले हम ये किसा हुआ हमारा गोभी और प्याज है, इनको हम तेल डाल के भून लेंगे ताकि जो इसका पानी है वो सूख जाए। और इसमें डालेंगे नमक, गरम मसाला और डालेंगे मीट मसाला और इसको अच्छे से भून लेंगे हम। अब चटनी बनाएंगे, 2 उबले हुए टमाटर, 6-7 ले लिए लाल मिर्ची, थोड़ी सी अदरक और 5-6 ले लिए लहसुन, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। काला नमक डालेंगे, स्ट्रीट वाले भी इसी तरीके से बनाते हैं, बस वो अरारोट ऐड कर देते हैं तो थोड़ी सी अच्छी गाढ़ी सी दिखने लगती है। देखिए, हमारी चटनी रेडी है। अब मोमोज तैयार कर लेंगे। 1 लोई लेके इस तरीके से रोटी बेल लेंगे और उसके बाद 1 गिलास लेंगे बड़ा सा, और उससे हम कट कट करके पूरियां सी निकाल लेंगे। अब इन्हीं पूरियों में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मोमोज का गोभी इसको भर देंगे, इस तरीके से 2 उंगलियों से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम गोल मोमोज बनाएंगे, दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे हम। इसी तरीके से बीच में से गोल सा करके चोंच से इस तरीके से दबा देंगे ताकि ये खुले ना। ठीक है, ये पतली सी पूरियां हमने बेली हुई हैं ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए, खाने में अच्छी लगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बना ली थी 6-7। और अभी क्या है, एक पूरी सी बेलेंगे हम, आपको बड़ा मोमोज बताएंगे। इस तरीके से एक पूरी बेल लेंगे, बड़ा मोमोज इसी तरीके से बनता है। इसमें ज़्यादा से गोभी भर लेंगे और भरने के बाद सेम उसी मेथड से क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देख लीजिए, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे हम। फोल्ड बहुत ही आसानी से ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, कोई डिज़ाइन स्पेशल नहीं है, आराम से इसको बना सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए हमारा एक और बड़ा सा मोमोज बन के रेडी है। बीच में जो मैदा रहती है उसको इस तरीके से दबा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे मोमोज बना के अपने रख लेंगे और स्टीम करेंगे। अब देखिए, हम पतीले में स्टीम करेंगे, तो उसके लिए हमने ये आटे की छन्नी ली है जिसके ऊपर हमने तेल लगा दिया है। ठीक है, अब इसमें एक एक करके ये रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको स्टीम करेंगे। सबसे पहले तो इनको रखेंगे हम, देर रखने के बाद इसको ढक देंगे कोई ऐसा ढक्कन हो जिसके ऊपर पूरा आ जाता हो। ठीक है, 15 मिनट तक स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और स्टीम होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट जब दिखने लगेगी ना, तो समझ लीजिए स्टीम हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया बन के आई है, और आप अपने घर में आसानी से बना लीजिए। और अगर आपको फ्राई खाना हो तो इन्हीं को आप ठंडा करके फ्राई कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ठंडा करने के बाद इनको निकाल लेंगे, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएंगी, टूट जाएंगी। इनको निकालने के बाद खाइए, और मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइए। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।